नाजरीन बड़े ही अफसोस की बात है कि आजकल ना सिर्फ लड़कियां व ख्वातीन बल्कि लड़के व मर्द हजरात भी अपने ससुराली रिश्तेदारों के जुल्म से महफूज नहीं हैं। पिछले दिनों भी कई ऐसे वाकयात सामने आए जहां पर सालों ने अपने ही बहनोई पर हमले किए, फिर एक मरतबा सालों ने किया अपने ही बहनोई पर हमला। तफसीलात के मुताबिक चादरघाट के रहने वाले मोहम्मद अफरोज नामी शख्स पर कोलीचौकी के इलाके में उनके दो सालों ने और उनके दोस्तों ने मिलकर किया हमला, जिसके नतीजे में मोहम्मद अफरोज ज़ख्मी हो गए। मोहम्मद अफरोज ने बताया कि उनके सालों ने इन्हें जान से मार देने की भी धमकी दी है। मोहम्मद अफरोज ने गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में इस हमले की शिकायत भी दर्ज करवा दी है। पुलिस ने मोहम्मद अफरोज को MLC के लिए गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और एक मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इस खसूस में मजीद तफसीलात जख्मी मोहम्मद अफरोज की जबानी। ये हमारे बड़े साले साहब है, इनका नाम मोहम्मद अजमत है, इन जियो में काम करते हैं। और ये छोटे साले साहब है, इनका नाम मोहम्मद अजीम है, इनुज मेडिकल पे काम करते हैं गोलकुंडा की रोड पे बीच में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफरोज है और मैं चादरघाट में रहता हूँ और मेरे वाइफ का नाम फरीन बेगम है, मेरे सालों का नाम मोहम्मद अजमत और मोहम्मद अजीम है और मेरे ससुर का नाम मोहम्मद फारूक है और मेरे वाइफ और मेरे साले हकीम पेट टोली चौकी में रहते हैं बाबा होटल के पास। और मैं आज जो है ना टोली चौकी की तरफ से जा रहा था अपने घर की तरफ, तो एकदम मेडिकल पे गोली लेने के लिए रुका वहाँ पे, एकदम ऐसा गोली लेने के लिए रुका। मैं अंदर घुसते कि मेरा साला, मैं इत्तेफाक से मेरा छोटा साला था वहाँ पे, मेरे को बाहर ले लेके आया, बाहर ले लेके आके बात करना है बोल के बाहर ले लेके आके साइड में चल गली में चल गली में चल बोल के दोनों तीनों साले, दो साले मेरे दोनों मिलके और उनके कोई दो चार दोस्ता मिलके मेरे को लिड़ा लिड़ा के मारे कि जो है ना क्या चाह रहा हमारी बहन, नहीं रहना चाह रही वो ये। मेरी शादी 1.5 साल पहले हुई थी और ये लोग मेरे ऊपर जो है ना 498A का केस डाल दिया और मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, 10 लाख दिए तो हम लोग केस उठाते बोल के। तो मैं उनको बोला भाई मैं तो नहीं दे सकता, बोले तो हाँ क्या नहीं आती उन्हें, नहीं करती हम लोग आते रू कैसा करते 7 टॉम्स का नहीं आती फोड़ते ये वो बोल के गलत सलत बातें कर रहे और गली में ले जाके 2-3-4 जने मिल के मेरे को जो है ना लिड़ा लिड़ा के मारे। कैमरे में साफ साफ दिख रहा वो सब। अब पुलिस स्टेशन में जाके बोल दे रहे कि जो है ना भाई मैच आया, मैच करा, मैच जो है ना दुकान के सामने तमाशे करा करते इस वास्ते मारे बोल के बोल रहे वो लोग। मैं गोलकुंडा PS को गया था, एरिया PS गोलकुंडा को गया तो वो लोग जो है ना गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में ले जाके मेरा MLC कराया और मेरे को सुबह 11 बजे आओ बोले। मैं तेलंगाना हुकूमत से इतनी अपील कर रहा हूँ और यहाँ के पुलिस वाले ACP और DGP साहब लोगों से यही अपील कर रहा हूँ KCR साहब से कि जो है ना मेरे को जस्टिस दिलवाइए और ये अननेसेसरली मेरे को हैरेसमेंट कर रहे, ये लोग ब्लैकमेल कर रहे, आई एम जस्ट अपीलिंग फॉर अ जस्टिस। कल के दिन अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी हुआ तो मेरे को ये लोगों से जान का धोखा है क्योंकि ये लोग पहले से मेरे को धमकियां दे के रखे हुए हैं, मेरी ज़िंदगी ख़राब करते हैं, मेरे को रोड पे लाते हैं ये वो, मेरे को ये लोगों से जान का धोखा है। हमारे वाइफ है फरीन बेगम, उनके भाइयाँ जो है मोहम्मद अजमत और मोहम्मद अजीम, ये लोगों से मेरे को जान का धोखा है। तो मैं सिर्फ अपील कर रहा हूँ कि आप मेरे को जस्टिस दिलवाइए।